यदि सड़क या पुल बिगड़ जाए तो केवल आर्थिक नुकसान होता है, लेकिन भावी पीढ़ी बिगड़ जाए तो राष्ट्र का भविष्य अंधकार में हो जाता है। उन्नति के दो रास्ते हैं, गहन अध्ययन और अच्छी संगति। उक्त उद्बोधन धार महू लोकसभा क्षेत्र के सांसद सतर सिंह दरबार ने स्कूल चले अभियान के तहत आयोजित भविष्य से भेंट कार्यक्रम में शासकीय माध्यमिक विद्यालय मोराड़ में व्यक्त किए। उल्लेखनीय है कि शासन की महत्वाकांक्षी योजना स्कूल चले अभियान के लिए विद्यार्थियों के 3 दिवसीय भविष्य से भेंट कार्यक्रम में राजनीतिज्ञ, अधिकारी, समाज सेवक, पत्रकार, साहित्यकार एक दिन के शिक्षक बनकर विकास खंड की विभिन्न स्कूलों में पहुंचे। मनावर से लोकेंद्र जाधव की रिपोर्ट। ताली बजाओ। मयंक का ताली बजाओ। आज क्या है यार, आज कौन सा दिन है? स्कूल चले अभियान बोलो ना। स्कूल चले अभियान का शुभारंभ भारतीय संस्कृति में सोमवती अमावस्या पर सोमवार है। क्या महत्व है इसका? लोग नहाने जाते कि नहीं? जाते हैं, अभी श्रावण चल रहा है, अभी 2 महीने तक शिव भगवान का ही रात है। शिव भगवान का नाम लो और अच्छे पढ़ाई। अब हम गए थे ओंकारेश्वर, तुम लोग भी अच्छे से पढ़ो। पढ़ना है कि नहीं आपको? पढ़ना है ना, तो मेहनत करो। ठीक है, देखो जी, पहले हम पढ़ते थे, हमको ना किताब मिलती थी, ना कॉपी मिलता था, ना कोई साइकिल मिलती थी, कुछ भी नहीं। माता पिता कमाई करते थे, पेट काट काट के खेती में करते थे, उसमें से बचा बचा के पढ़ाते थे, कपड़े लेके देते थे, जूते चप्पल।
5 रुपए की चप्पल पहनते थे उस जमाने की बात कर रही, और आज तुमको किताबें मिल रही, कॉपी मिल रही, साइकिल मिल रही, कपड़े मिल रहे, हर तरह से व्यवस्था मिल रही है, तो हमारा क्या लक्ष्य होना चाहिए? तो हमको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये कोई जीवन में तुम्हारा मोबाइल मजाक मस्ती खेलो, आप समय निकाल के 1 घंटा खेलो, 2 घंटे खेलो, वो भी एक जरूरी है, योगा करो, लेकिन हमको पढ़ाई को लक्ष्य मान करके हमको पढ़ना है। और नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे? फिर बहुत सारे ठेले गाड़ी चला रहे, बहुत सारे मजदूरी कर रहे हैं, तो जीवन बड़ा कठिन हो जाता है। तो कुछ भी टीचर बन जाए, पढ़े लिखे हो तो हमको कोई बिजनेस के लिए पैसा मिल जाता है, लोन मिल जाता है, दुकान खोल सकते हैं। तो हम लोगों को पढ़ना चाहिए, और लड़कियां आत्मनिर्भर हो जाती हैं तो शादी भी हो जाए मान लो, और आत्मनिर्भर हो जाती है तो हम किसी के बलबूते पे नहीं, हम अपन खुद सेल्फ डिपेंड अपने बच्चे और बीवी और परिवार का पालन पोषण कर सकते, और पिताजी का घर भी अपन पालन कर सकते हैं, और ससुराल का घर भी पालन कर सकते हैं, दो घर का अपन ध्यान रख सकते हैं, और अपन खुद भी सेल्फ डिपेंड, अपन महिलाएं को आत्मनिर्भर होना चाहिए, तो हमको अच्छे से पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ लगे और दिमाग इधर उधर बिल्कुल नहीं दौड़ाना फालतू में, कोई भी लड़कों को दिमाग नहीं इधर उधर फालतू में दौड़ाना। धन्यवाद बोलो दीदी। जब हम लक्ष्य करेंगे, हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, तो एक ना एक दिन शादी भी होना, सब कुछ होना, पर फालतू दिमाग भी नहीं बढ़ाना, हमारा एक ही लक्ष्य हो पढ़ाई, और अच्छे पढ़ो, आगे बढ़ो, ये मेरी शुभकामना। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।